सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को, और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आवेदन फॉर्म में संशोधन करने का सही तरीका क्या है, नाम, IFC कोड और अकाउंट नंबर कैसे आपको सही करना है, आधार नंबर अगर आपका गलत हो रखा है तो वो आपको कैसे सही करना है, और बैंक अकाउंट में आधार नंबर आपको कैसे लिंक करना है, और उसकी अंतिम तिथि जो है 30 नवंबर है, तो उससे पहले आपको आधार कार्ड को कैसे लिंक करना है बैंक अकाउंट में। दोस्तों, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और कैसे आपको संशोधन करना है, सही तरीका क्या है, दोस्तों जब आप फार्मर कॉर्नर पे जाके एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड में अपना क्लिक करते हैं, और यहाँ आप सबसे पहले अपना आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर आपको यहाँ डालना होता है, आधार नंबर जब आप यहाँ डाल देते हैं तो यहाँ ये कैप्चा कोड डालना होता है। उसके बाद जब आप सर्च करते हैं तो दोस्तों सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आता है, जैसे कि आप यहाँ ये देख रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जब आप इंटर हो जाते हैं तो यहाँ दोस्तों आप फार्मर नेम अपना देख सकते हैं, फार्मर नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर। फार्मर नेम आप देख सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक इसमें है, आधार में जो नाम है वो इसमें नहीं है, और फार्मर नेम के बगल में एक फार्मर नेम का दूसरा कॉलम आप देख रहे हैं जिसमें कोई नाम नहीं है। उसके बाद आप इसमें डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज नेम, आधार नंबर और न्यू आधार नंबर आप देख रहे हैं। आपका जो भी गलत होगा इसमें आधार नंबर और नाम में से दोनों का ऑप्शन को आपको अपडेट यहाँ जब आप एडिट करते हैं उसके बाद अपडेट करने को मिलेगा। हमने एडिट पे क्लिक कर लिया है, उसके बाद फार्मर नेम हमें यहाँ डालना है, और फार्मर नेम हम टाइप कर लेंगे। फार्मर नेम दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं फार्मर नेम हमने सही डाल दिया है, जो सही नाम है जैसे कि आप देख रहे हैं, जो आधार कार्ड में जो नाम है, बैंक में जो नाम है वो हमने डाल दिया है। ये आधार कार्ड में दोस्तों ये जो फॉर्म है इसमें संशोधन करने का, आधार वाला नाम संशोधन करने का सही तरीका है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं आधार में कोई कॉलम नहीं आ रहा है तो हम इसे अपडेट कर देंगे क्योंकि आधार नंबर सही है। उसके बाद दोस्तों जब आप इसे अपडेट कर देते हैं तो एक मैसेज यहाँ आता है, यस आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली एंड रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। दोस्तों इस तरह से आप अपना नाम सही कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवेदन में अगर आपने किया है तो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आप देख सकते हैं यस आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली एंड रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ये मैसेज दोस्तों अगर आपको आ जाता है तो आपका नाम सक्सेसफुल अपडेट इसमें हो जाएगा, वो उसमें कुछ समय लगेगा लेकिन आपका आधार वाला नाम इसमें सही हो जाएगा आवेदन फॉर्म में। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ, अगर आपका जो जैसे कि आप इस तरह से अपना स्टेटस देखते हैं, और यहाँ अगर आपका अकाउंट नंबर आप देखते हैं आपका अकाउंट नंबर जो है वो गलत है तो कैसे आपको ये सही करना है, और IFSC कोड कैसे आपको सही करना है, इसके लिए आपको अपने नज़दीकी कृषि विभाग के ऑफिस में जाना है या आपको तहसील में जाना है, पटवारी या लेखपाल से संपर्क करना है। और आधार नंबर भी आप इस तरह से सही कर सकते हैं, अगर आपको जो गलत आधार नंबर है वो आपको मालूम नहीं है तो आधार नंबर, अकाउंट नंबर और IFSC कोड आप इसी तरह पटवारी या कृषि विभाग के ऑफिस में जाके आप उसे सही करवा सकते हैं। और इस तरह से आप अपना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आवेदन में आपका जो आवेदन फॉर्म है उसे संशोधन करने का ये सही तरीका है। आप पटवारी के माध्यम से अपना IFSC कोड और बैंक नंबर और आधार वाला नाम जो आपका आधार कार्ड का नंबर जो है आपका वो सही करा सकते हैं। और आधार कार्ड का नाम इस तरह से आपने अपडेट करना है जैसे कि आपको बता दिया है एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड में जाके। अब दोस्तों आपको बता दें आपको बैंक में अपना आधार कार्ड कैसे लिंक करना है, इसके लिए आपको अपना एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके और ओरिजिनल आधार कार्ड लेके बैंक में जाना है, और जो बैंक अकाउंट आपने यहाँ दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं जो बैंक अकाउंट नंबर आपका यहाँ है इसी बैंक अकाउंट नंबर पे आपने आधार कार्ड लिंक करवा देना है। और इस तरह से अगर आपका PFMS रिकॉर्ड रिजेक्टेड दिखाता है तो PFMS जो रिकॉर्ड है आपका वो सही हो जाएगा, और इस तरह से आपने अकाउंट नंबर भी आप सही करवा सकते हैं, और इस तरह से आपने बैंक अकाउंट में अपना आधार कार्ड लिंक कराना है। तो दोस्तों ये आवेदन में संशोधन करने का सही तरीका है, इस तरह से आपने आवेदन में संशोधन करना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड किसी भी नई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।